नालासोपारा तुलिंज पुलिस की अपराध जांच शाखा ने एक युवक की हत्या के मामले में 6 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि मोरेगांव के मौर्या नगर स्थित नागरिक कॉलोनी में रहने वाले 22 वर्षीय प्रवीण उर्फ सोनू साखरिया की 3 मई 2018 को हत्या कर दी गई थी। उसके सिर और चेहरे पर किसी हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसका शव 90 फीट रोड किनारे मिला था। इस मामले में तुलिंज पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। वहीं पुलिस जांच में पता चला कि सोनू की हत्या भरत राय, आशीष कुलकर्णी, निशांत मिश्रा उर्फ मोनू राइडर और प्रिंस सिंह उर्फ पोगो के द्वारा की गई थी, जिस पर पुलिस ने भरत, आशीष और निशांत को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। परंतु वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी प्रिंस फरार था, जिस पर वरिष्ठों ने उसे तलाश कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। वहीं इस मामले में तुलिंज पुलिस की अपराध जांच शाखा को जानकारी मिली कि सोनू हत्याकांड में वांछित आरोपी विरार, अंबरनाथ, उल्लास नगर, ठाणे, नवी मुंबई में अपना अस्तित्व छिपाकर रह रहा है और वह वसई आने वाला है, जिस पर तुलिंज पुलिस की अपराध जांच शाखा ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। वहीं इस बारे में तुलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर ने जानकारी दी। सर, एक हत्या के आरोपी को पकड़ा है, क्या मामला? 7 मई 2018 को एक 22 साल के लड़के की लाश पुलिस को मिली थी, जो मोरेगांव तालाब से जो मनवेल पाड़ा का जो रास्ता जाता है उससे सुनसान जगह पे उसकी लाश मिली थी। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया कि तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका मोबाइल और पैसे लूटने के हिसाब से 5 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था और उसमें उसके सर पे पत्थर मार के उसको गंभीर रूप से घायल करके उसकी हत्या कर दी थी। उस तपास में पुलिस ने 4 आरोपी अटक किए थे इसके पहले और 5वां आरोपी फरार था। इनका जो सरगना है मोनू राइडर, वो तो फिलहाल MCOC केस में जेल में बंद है। उसके ऊपर कई सारे संगीन अपराध है। और ये धनंजय सिंह, उसका जो ये जो 5वां आरोपी था उसका नाम प्रिंस धनंजय सिंह और पोगो, उसको पोगो नाम से बुलाते हैं। ये के FIR मतलब जब से केस रजिस्टर हुआ था तब से फरार था। पुलिस टीम कई बार UP वगैरह जाके आई थी उसके गांव, जो भी खबर मिलने की, लेकिन उसको मिला नहीं था। तो पुलिस को इन्फॉर्मेंट ने खबर दी कि वो किसी काम से वसई आने वाला है। तो पुलिस ने 2-3 दिन वहाँ पे ट्रैप लगाया और जैसे ही वो वसई रेलवे स्टेशन के बाहर मिला तो उसे पुलिस ने दर्दबोश आए। इसी प्रकार हत्या का आरोपी जो 5 साल से ज़्यादा टाइम से फरार था उसको अरेस्ट करने में पुलिस को यश मिला है। ये जो आरोपी पकड़ा गया है इसका कुछ आपराधिक इतिहास भी रहा? हाँ, इसके ऊपर कुछ रॉबरी के गुनाह है पहले। वहीं आरोपी प्रिंस को पकड़ने का यह सफल ऑपरेशन तुलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर के मार्गदर्शन में अपराध जांच शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील पाटिल, सहायक पुलिस उप निरीक्षक शिवानंद सूतनासे, पुलिस हवलदार आनंद मोरे, उमेश वरठा, राजेंद्र जाधव, अस्पाक जमादार पांडुरंग केंद्रे, इस्माइल छपरीबन, राहुल कदम, शशिकांत पोटे बागुल, अमोल बर्डे के द्वारा सफल रहा। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।